हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फ्री फायर में ऑटो स्विच गन सेटिंग करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्री फायर में ऑटो स्विच गन कैसे कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। इसे देखने के लिए चलते अपने फोन पे। सो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम अपने फ्री फायर पे है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्री फायर में ऑटो स्विच गन सेटिंग कैसे करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन उसके बाद आप सभी को सिंपली कंट्रोल पे क्लिक करना है। कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ गया है। देन उसके बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो स्विच गन, और उसके राइट साइड में दो ऑप्शन दिए गए हैं ऑफ और ऑन। तो आप सभी को सिंपली इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप सभी को सिंपली कस्टम हुड पे क्लिक करना है। कस्टम हुड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ऑटो स्विच गन का आइकॉन, जो कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। देन उसके बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। देन इसे कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने गेम को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है ऑटो स्विच गन। तो चलिए इसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे गन स्विच कर रहा है। आप सब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका गन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने फ्री फायर में ऑटो स्विच गन सेटिंग कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।